भारत की दिग्गज ऑयल कंपनी भारत पेट्रोलियम यानी कि BPCL में भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। हालांकि कोरोना के संकट की वजह से सरकार को इसकी बोली लगाने की तारीख कम से कम 4 बार अब तक बढ़ानी पड़ गई। BPCL में भारत सरकार की हिस्सेदारी 52.98 यानी कि लगभग 53% है। लेकिन सवाल यह है कि मुनाफा कमाने वाली एक कंपनी में सरकार को आखिर अपनी हिस्सेदारी बेचने की नौबत क्यों आ गई है? जो कंपनी मोटी कमाई कर रही हो, सरकार उसमें से अपना हिस्सा क्यों बेचना चाहती है? तो चलिए आज बात करते हैं 3 बड़े सवालों पर। सवाल नंबर 1, BPCL को बेचकर सरकार को आखिर कितनी कमाई होगी और इसको खरीदने की दौड़ में कौन कौन शामिल है? सवाल नंबर 2, फिलहाल BPCL कितनी कमाई करती है? और सवाल नंबर 3 कि अगर BPCL मोटी कमाई कर रही है तब भी सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचना क्यों चाहती है? BPCL भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। सबसे पहले वेदांता कंपनी इसे खरीदने की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रही थी। वेदांता माइनिंग सेक्टर का जाना माना नाम है, लेकिन अब अमेरिका की 2 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और I-Squared कैपिटल की इकाई थिंक गैस ने शुरुआती बोलियां भी सौंप दी हैं। BPCL को खरीदने के लिए वेदांता के अलावा 2 और कंपनियों के मैदान में उतर आने से यह मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। सरकार को अब BPCL का वैल्यूएशन ऊंची कीमत पर होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। वेदांता ने इसके लिए 59,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अब बात करते हैं BPCL की कमाई की। BPCL की बैलेंस शीट को देखकर इसके निवेशकों को बिल्कुल भी चिंता या परेशानी नहीं होगी। कोरोना के संकट के दौर में भी BPCL ने खासी अच्छी कमाई की है। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में BPCL का मुनाफा लगभग 2 गुना होकर 2,076 करोड़ रुपए हो गया, जबकि दूसरी तिमाही में यह मुनाफा बढ़कर 2,247 करोड़ रुपए हो गया। इसके पहले वित्त वर्ष 2018-19 में BPCL को 7,132 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक BPCL सालाना लगभग 8,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है। BPCL के खरीदार को 64,200 करोड़ रुपए से लेकर 97,600 करोड़ रुपए तक की जरूरत पड़ेगी। अब बात सबसे अहम सवाल की, आखिर इतना मुनाफा कमाने वाली कंपनी को सरकार बेच क्यों देना चाहती है? दरअसल केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अलग अलग कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचकर 2.10 लाख करोड़ रुपए अर्जित करने का लक्ष्य रखा। इस पैसे के जरिए सरकार अपने बजटीय घाटे को कम करना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने जो प्लान बनाया है उस प्लान में LIC और एयर इंडिया जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि उसे सबसे पहले BPCL में हिस्सेदारी बेचने में कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि BPCL का ट्रैक रिकॉर्ड निवेशकों को आकर्षित करने वाला है, जबकि एयर इंडिया घाटे में चल रही कंपनी है जिसे बेचना सरकार के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। जैसा हमने आपको पहले बताया, BPCL देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसकी बैलेंस शीट हमेशा से मुनाफे में रही है। इसी वजह से सरकार ने BPCL की बोली की तारीख भी कम से कम 4 बार आगे बढ़ाई है। आपको बता दें कि पूरे देश में BPCL के करीब 17,138 पेट्रोल पंप हैं और इस कंपनी के सरकार के पास 114.91 करोड़ शेयर है। एक बात और जो सरकार ने पहले ही साफ कर दी है कि BPCL के रणनीतिक खरीदार को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि कंपनी का मालिकाना हक भी खरीदार के पास चला जाएगा। तो ये है वो वजह जिसके चलते सरकार फायदे में होने के बावजूद BPCL को बेचना चाहती है।